क्या ट्रिपल आर ने तोड़ा पुष्पा का रिकॉर्ड? आखिरकार पांचवें दिन कितने करोड़ की कमाई की? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज में सोनिका जयाल। दोस्तों, निर्माता डीवीवी दनैया की फिल्म ट्रिपल आर के हिंदी वर्जन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुका है और 100 करोड़ रुपए पार कर लिए हैं सिर्फ 5 दिनों में। आपको बता दें, पुष्पा पार्ट 1 के बाद ये दूसरी तेलुगु फिल्म है जिसने मूल फिल्म के साथ ही हिंदी में रिलीज होकर यह आंकड़ा छुआ है। फिल्म के तेलुगु वर्जन के साथ हालांकि हिंदी संस्करण का कारोबार भी मंगलवार को कम हुआ और फिल्म के कलेक्शन में लगातार हो रही गिरावट फिल्म के निर्माता और वितरकों के लिए चिंता का विषय भी बनी हुई है। इस बीच फिल्म के कुल कलेक्शन और नेट कलेक्शन को लेकर भी फिल्म जगत में अपनी अपनी तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन पुष्पा का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है। निर्देशक एसएस राजामौली की फिल्म रौद्रम रणम रुधिरम यानी कि ट्रिपल आर की ओपनिंग जिस तरह से हुई है उससे लग रहा है कि ये फिल्म उनकी पिछली फिल्म बाहुबली की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ देगी। फिल्म ट्रिपल आर ने फिल्म बाहुबली 2 से बेहतर ओपनिंग लेते हुए पहले दिन पूरे देश में कुल 130 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। इसमें फिल्म का तेलुगु वर्जन की कमाई की बात करें तो 100 करोड़ रही, हिंदी की 20 करोड़, तमिल की 6 करोड़, मलयालम की 3 करोड़ और कन्नड़ में 20 लाख। बाहुबली 2 ने रिलीज के पहले दिन 121 करोड़ की कमाई की थी। इसमें तेलुगु वर्जन की कमाई 58, हिंदी की 41 करोड़, तमिल की 17 करोड़ और मलयालम की 5 करोड़ रही थी। पहले दिन बढ़त मिलने के बाद ये माना जा रहा था कि अब फिल्म ट्रिपल आर का कलेक्शन हर दिन फिल्म बाहुबली 2 से ऊपर ही रहेगा, लेकिन फिल्म के रिलीज के दौरान दूसरे दिन ही फिल्म ट्रिपल आर के पांव लड़खड़ा गए। शनिवार को फिल्म ने कुल 86 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया। इसमें तेलुगु संस्करण की कमाई 52 करोड़, हिंदी की 23 करोड़, तमिल की 7.5 करोड़, मलयालम की 2.5 करोड़ और कन्नड़ की 30 लाख थी। फिल्म बाहुबली 2 ने रिलीज के अगले दिन यानी कि शनिवार को तेलुगु में 32 करोड़, हिंदी में 40 करोड़, तमिल में 13 करोड़, मलयालम में 4 करोड़ और कुल मिला के 90 करोड़ का कलेक्शन किया। शुरुआती रुझानों में पिछड़ने के बाद रविवार को फिल्म ट्रिपल आर ने फिर से जोर पकड़ा और उस दिन इसका कलेक्शन 100 करोड़ रुपये रहा। इस दिन इसने तेलुगु में 56 करोड़ और हिंदी में 31 करोड़ कमाए, वहीं तमिल में 8.5 करोड़, मलयालम में 3.5 करोड़ और कन्नड़ में 30 लाख रुपए का कुल कलेक्शन किया और 100 करोड़ कमा दिए। हालांकि बाहुबली 2 का कलेक्शन रिलीज के बाद रविवार को 93 करोड़ रुपए ही रहा था। बाहुबली 2 ने रविवार को 33 करोड़ और हिंदी में 46 करोड़ कमाए, तमिल में 9 करोड़ और मलयालम में 4.5 करोड़। फिल्म बाहुबली 2 ने जहां अपना पहला मंडे टेस्ट शानदार तरीके से पास करते हुए रविवार के मुकाबले सिर्फ 13% गिरावट दर्ज की और 80 करोड़ कमाए, वहीं ट्रिपल आर का कारोबार सोमवार को रविवार के मुकाबले आधे से ज़्यादा गिर गया। फिल्म ट्रिपल आर ने सोमवार को 48 करोड़ रुपए कमाए और अब आगे देखना होगा कि कितना करोड़ का कलेक्शन ये फिल्म करेगी। फिलहाल ट्रिपल आर का देखें तो रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रही है पुष्पा का और साथ ही बाहुबली 2 का। आने वाले टाइम में पता चलेगा कि ट्रिपल आर वाकई इन दोनों फिल्मों से आगे निकल जाएगी। आपको क्या लगता है इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।